हेलो गाइस, तो आप सभी बढ़िया होंगे। मैं फुलंग के, आप सभी का स्वागत करते हैं वापस नए वाली वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ यूजी एग्जाम जो आप लोगों के हैं सिक्स सेमेस्टर वगैरह के, वो आप लोगों के कब होने वाले हैं। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे कि सिक्स सेमेस्टर एग्जाम आप लोगों के कब होंगे, या जो लोग थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं उनके फोर्थ के एग्जाम आप लोगों के कब होंगे, ठीक है। और जो सेकंड दे चुके हैं उनके सेकंड, जो फर्स्ट दे चुके हैं उनके सेकंड वालों के कब होंगे, ठीक है। तो इन सब आप लोगों का इवन सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उनका मैं पैटर्न आप लोगों को बता देता हूँ। सारे एग्जाम आप लोगों के एमसीक्यू होंगे, ठीक है, और 80 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे और उनका 75 में से 150 में से 75 आप लोगों को करने होंगे। ऐसा पैटर्न अभी है, इस पर कोई अपडेट नहीं आया यूनिवर्सिटी की तरफ से। जब अपडेट आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। तो इसकी जो एस्टिमेटेड डेट्स हैं आप लोगों की पेपर वगैरह की, वो जैसा कि अभी यूनिवर्सिटी ने खुद ही बताया था कि जो एलएलबी के पेपर हैं उनकी तैयारी जून में कराने की है, ठीक है। तो जून में कितना भी जल्दी ये लोग करवाएंगे तो 15 के बाद ही होगा एलएलबी वालों का पेपर, अभी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं होना है पेपर आप लोगों का बीए वगैरह का, ठीक है, बीए बीएससी और बीकॉम वगैरह का, यूजी वगैरह का, जो भी पेपर आप लोगों का होना है या जो कोर्सेज आप लोगों के ओल्ड कैंपस में है, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। तो ओल्ड कैंपस वालों का आप लोगों का होना है जो जुलाई फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक से पहले आप लोगों का नहीं होगा, या आप लोगों के जब छुट्टी ख़त्म हो जाएगी 14 से, तब तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो या कुछ कोर्सेज का मान लीजिए आप लोगों का 14 के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो ये यूजी कोर्सेज का है और तभी आप लोगों का पीजी कोर्सेज का होगा, इस बार साथ में वो लोग एग्जाम कराएंगे, नहीं तो लेट हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा। और आप लोगों का जो पीजी का एंट्रेंस है वो भी आप लोगों का जुलाई में लगा हुआ है, 1 से 10 जुलाई आई थिंक उसका है, ठीक है। तो जुलाई में एंट्रेंस भी होगा तभी ये भी होगा, सब साथ में ही करवा देंगे वो, ठीक है। तो वो क्लासेस ना हो तो थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह चेंज रहेगी उनकी, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों की होती रहेंगी। और सेमेस्टर एग्जाम का जैसा कि उन्होंने बोला है, जो न्यू कैंपस वाले हैं, एलएलबी वाले हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज वाले हैं, उनका जून में स्टार्ट करवाने की बात की है और ऑनलाइन कोर्स करवाने की बात की है, उनका ऑनलाइन कोर्स पूरा करवाया जाएगा और ये जून वाला जो कोविड वगैरह में चलता था। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।